वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। इकरा शिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शिबा तो वहाँ मेकअप की कुछ चेक करने चली गई हैं। इकरा से मैं जानूंगी, इकरा ने हमें ब्रेक में बताया कि ये व्लॉगिंग तो करती हैं, उसके साथ साथ इनको डांस और सिंगिंग का भी बहुत शौक है। बहुत ज्यादा। अच्छा, कैसे मतलब हमेशा से शौक था, फिर साथ में एक्टिंग का शौक भी? हमेशा से मुझे सिंगिंग और डांसिंग का शुरू से ही शौक था, और ये सब मैंने यूट्यूब से सीखा है और उसी से इंस्पायर होकर मैं आज यूट्यूब करती हूँ। लवली लवली। तो इकरा आप कुछ गुनगुना भी सकती हैं हमारे लिए अगर आप चाहें तो? हम एक्चुअली गाना तैयार करें हमारी पूरी टीम। हाँ। जो हम उस अपनी पूरी टीम को हम कहते हैं वुल्फ क्रू। तो हमारी जो टीम है वो हम लोग एक गाना तैयार करें। मैं थोड़ा सा थोड़ी लाइन ना बता मुझे गुजर वक्तों की खता, रहने दे यूं ही मेरी यादों को सदा। हो लवली लवली। अभी इस पे काम चल रहा है, तो कब तक एक्सपेक्टेड है ये हम सुनने को? प्रोबेबली इन 2 मंथ्स और सो। लवली लवली लवली। अच्छा शिवा, वहाँ की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल टाइम बहुत शॉर्ट था, लेकिन यही बात है, शॉर्ट टाइम पे भी हम लोगों ने अपनी तमाम टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए एक मेकओवर तकरीबन हम लोग रेडी हैं। वी आर रेडी टू गो इन 5 मिनट्स एंड मोर। इसमें हम लोगों ने कंप्लीट इनका मेकओवर किया है। इनका आई जो शेड्स हैं वो, चूंकि इनका ड्रेस था इसमें गोल्ड का टच था, तो हम लोग थोड़ा सा गोल्ड को टच हम लोगों ने दिया। आई मेकअप को थोड़ा और एनहांस और आंखों को और खूबसूरत और बड़ा दिखाने के लिए हम जो फॉल्स आई लैशेज है उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा आपको एक ट्रेंडी से आपको करते हैं। मस्कारा और आंखें इसके बगैर हो जाए ना, तब तक आपकी पूरी लुक निकल आती है। बिल्कुल। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो अगर आपके हेयर जो है वो एक अच्छे हेयर डू हुआ हुआ है और जस्ट आप मस्कारा और एक अच्छा आईलाइनर लगा के लिप ग्लॉस लगा के भी अगर आप जाएंगे तकरीबन, तो आप इस पोजीशन में होते हैं कि बाहर कोई भी लाइट आप मार्केट या कोई भी कोई रैंडम सा इवेंट जो है आप अटेंड करने की पोजीशन में आप होते हैं। लेकिन बस जस्ट ये आपने ध्यान रखना होता है कि अगर आपकी आईज जो है वो बहुत छोटी हैं तो अवॉइड करें कैट आईज जो लाइनर है उस तरह के टाइप के आईलाइनर की शेप को आप अवॉइड करें। बहुत मोटा आईलाइनर अक्सर मैंने देखा है, बहुत छोटी आईज होती है, डीप आईज होती हैं, उनमें वो बहुत ज़्यादा थिक जो है वो लाइन जो है ड्रॉ कर लेते हैं, तो उससे बजाय आपकी आंखें बड़ी लगने के वो आपकी आंखें बिल्कुल ही और ज़्यादा स्क्वीज हो जाती हैं। तो लाजमी नहीं है अगर कोई एक अगर आपकी क्लास फेलो है या एक आपकी कलीग है और बहुत थिक आईलाइनर यूज़ कर रही है तो वो आपको भी सूट करेगा। अगेन मेकअप जो है उसमें वो मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को खूबसूरत भी बना सकती है और बाज़ दफ़ा उसके फीचर्स को बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेस भी कर सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फीचर एनहांस करना इज़ द रियल चैलेंज। डेफिनेटली इसी वजह से तो बेलाडोना लाउंज बना है। अच्छा, बेलाडोना लाउंज कहाँ पर है? ये जी डिफेंस में है, डबल डी ब्लॉक में है, फेज 4 में ये ओपन हुआ है। और अभी फिलहाल तो जो हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें इट्स ओपन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। इवन हम लोग आई लैशेज एक्सटेंशन जो नेल आर्ट है वो भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं। ऑल टाइप ऑफ हेयर ट्रीटमेंट्स है जिसमें हमारा कैरेटिन ट्रीटमेंट्स हैं, सीरी रेंज हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स है ऑफर कर रहे हैं। और मेकअप तो अब आपके सामने रिजल्ट होगा कि 20 मिनट्स में हम आपको ये मेकओवर दे रहे हैं, तो अगर आप हमें थोड़ा सा एम्पल टाइम देंगे तो हम फर्दर आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे। लवली लवली लवली। अच्छा इकरा, अभी चूंकि व्लॉगिंग का बहुत ज्यादा कुछ आप ट्रेंड तो है ही यूट्यूब पर, आप कुछ अब जो आगे से वहाँ पर मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज के साथ या जिस तरह से आप बता रहे हो आप जैद के साथ कलेबोरेट करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, तो कुछ इस तरह की प्लानिंग्स भी हैं आप लोगों की फॉर फ्यूचर? हाँ, हम लोग जैद मी शबीर द एंटायर क्रू वी ऑलवेज कलेबोरेट विद वन अनदर ऑल द टाइम, क्योंकि हम उधर रहते हैं और यूट्यूब का जमाना है तो हम लोग कुछ ना कुछ कलेबोरेट करते रहते हैं। वेदर बिकॉज इट्स अ मेंबर ऑफ 10 पीपल तो ईदर वी end up pranking each other because they've pranked me many times. I'm easy to get pranked on. Yes. And pranking is so, well, sometimes it feels so bad that you are pranked. No, so we have 10 people and I'm the most easiest one to be pranked on all the time. Why is that so? I don't know. I really don't know because I get scared fast. Oh. That's why. So they prank me all the time. ओके अच्छा, सब कुछ इंटरेस्टिंग क्योंकि आप जब आप ऑन एयर की एडिटिंग सब कुछ चलता है तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो आपको अब तक एक्सपीरियंस की हो आपने? हम लोग ने एक व्लॉग बनाया था जिसमें हम लोग ने एक दिन हम लोग ने कबड्डी खेला था, गर्ल्स वर्सेस गाइस, तो उसमें जो हारता उसको एक शर्ट माननी पड़नी थी एंड देन girls end up losing it. So hum log ko hum log ka challenge ladkon ki taraf se ye tha ki we had to dress up like gangsters and go to a mall. So we end up going to a mall. I was dressed up like a guy
And I went to the mall and I was talking to other people. That was very challenging for me and yeah, very funny as you well. You were dressed up as a guy? I was dressed up as a gangster. Gangster? Yes. Okay. And I was going to people and I was talking to them and they were like, this girl is dressed up like a boy. She is very weird. लेकिन इस तरह की हम फनी फनी चीजें करते हैं। अच्छा कनाडा में लोगों का कैसा रिस्पांस है जब वो आपके इस तरह के व्लॉग्स देखते हैं? They love it. They love it. कनाडा में हो पाकिस्तान में हो मुझे पाकिस्तान में जब से आई हूँ people loved me so much and again the love and support I got from everyone is just alhamdulillah I have no words. Lovely, lovely, lovely. Shiva, अभी चूंकि हम मेकअप की बात करें आज आप इस तरफ आ जाए चूंकि मेकअप में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं समटाइम्स क्लाइंट्स की डिमांड्स भी बड़ी डिफरेंट होती हैं मतलब आपके सामने एक एक्ट्रेस की पिक्चर रखेंगे एंड दे वांट के मुझे ऐसा बना दो अब ये नहीं देखेंगे कि उसके फीचर्स और आपके फीचर्स में जमीन आसमान का फर्क है बिल्कुल वो चैलेंज किस तरह से लेंगे बहुत टेक्निक्स हैं हमारे पास आप आए और फिर हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे लाइव शोज देखिए 100% तो ऑब्वियसली अगर आप किसी भी फॉर एग्जांपल अगर कोई राउंड फेस का कोई बंदा अगर आ गया है और वो चाह रहा है कि थोड़ा स्लिम हो तो वो कंटोरिंग या हमारी डिफरेंट टेक्निक्स है उससे हम लोग करते हैं मुझे कर सकते हैं यानी कि ठीक है मेरा राउंड अच्छा नहीं यू हैव वेरी गुड फीचर थोड़ा सा एनहांस इनको करना है हाँ बिल्कुल बल्कि मैं तो आपको कहती हूँ आप आए बेलाडोना लाउंज और हम लोग इनके साथ एक सेशन भी रख सकते हैं इनको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे हम आप ही को लेते हुए हम आपकी कोई तकरीबन 5 to 6 डिफरेंट लुक्स देंगे जिसमें इंटायर हम आपके जो फीचर्स हैं 6 लुक्स में हम चेंज कर देंगे क्योंकि हम लोग मेरा ख्याल है हमें जरूर करना चाहिए देखिए बात चैलेंज ही है अगर हम लोग चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं अगर हम लोग वो रिजल्ट नहीं देते जो हमारा क्लाइंट चाहता है तो फिर तो वो घर में भी बैठ के मेकअप कर सकता है ना फिर वो क्यों आएगा ऑल द वे बेलाडोना लाउंज और क्यों आएगा वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने अगर आप मेरा इंस्टा पे फेसबुक पे देखें तो जो मैक्सिमम मेरे जो स्टेटस होते हैं वो मैं ये नहीं कहती कि मेक ओवर डन मैं हमेशा कहती हूँ मेक ओवर ट्रांसफॉर्मेशन हेयर ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन अब चाहिए मेकअप एक पुरानी बात होगी अब लोग मेकअप अब तो यूट्यूब हो गया और काफी आपके इस तरह के ट्यूटोरियल्स हैं कि कुछ ना कुछ क्लाइंट कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो बाहर से स्टडी करके आते हैं जो हमारी टेक्निक्स हैं हम वो अप्लाई करते हैं वही उनको डिफरेंस डालता है और अगर हम लोग अपनी टेक्निक्स को प्रॉपरली अप्लाई करके आपको वो डिफरेंस नहीं दे सकते तो फिर मेरा ख्याल है हमारा जो चैलेंज है वो बहुत ही यू नो ना होने के बराबर रह जाता है ठीक हो गया लवली एक आखिरी लोग चूंकि हम चाहेंगे हम अपनी जो मॉडल है उसकी दिखा दें अपने देखने वालों को सोनू थोड़ा सा कैमरे में अगर आप इनको दिखा दें she is ready ऑलमोस्ट और ये बहुत इनका डल सा मेकअप है लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी सॉफ्ट मेकअप क्योंकि हम लोगों ने इनको ड्रेस अगर मैं बहुत ज्यादा अगर मैं डार्क अगर मेकअप पे चली जाती तो जो इनका ड्रेस और ज्वेलरी है वो उसको कॉम्प्लीमेंट ना कर रहा होता ठीक है एक छोटा सा मैसेज इकरा आपकी जानिब से हमारे देखने वालों के लिए कुछ कहना चाहें आप बिलीव इन योरसेल्फ एंड फॉलो योर ड्रीम लवली शिवा क्या मैसेज दें बिल्कुल जिंदगी बहुत खूबसूरत है और आप लोग भी बहुत खूबसूरत है अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा लवली 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 थैंक यू वेरी मच लेडीज बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक इकरा आपके व्लॉग्स हम देखते रहते हैं और उम्मीद करेंगे कि यहाँ से जब आप जाएं तो मजीद कोई अच्छा सा बनाएं और फिर इसमें कुछ हमें इंटरेस्टिंग ये मेरे साथ बना सकते हैं इनका हम कुछ कर सकते अरे कितनी ऑफर जा रही है जबरदस्त ठीक है थैंक यू वेरी मच विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू इतने जबरदस्त मेकअप के लिए जनाब आपसे हम इजाजत लेंगे इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को कल नहीं होगी कल हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा क्योंकि कल हमारी भी छुट्टी है हम भी छुट्टी मनाएंगे आप भी अपनी अच्छी सी छुट्टी मनाएं हैप्पी वीकेंड और कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़